दोस्तों आपको बता होगा कोरोना वायरस का माहौल फिर से बढ़ने लगा। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख सकते हैं कि देश में फिर से तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। 24 घंटों में 43,000 से भी ज्यादा नए मामले देखे गए। जी हाँ, हालात देखिए, मतलब देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 43,846 नए केस आए, जबकि 197 लोगों की मौत हो गई कोरोना के चलते। और ये जो आंकड़ा है दोस्तों, पिछले 4 महीनों में सबसे ज्यादा पहली बार 44,000 के करीब नए मामले देखे गए। मतलब पिछले 3-4-5 महीनों से कोरोना थोड़ा ठंडा हो रहा था, मामले में गिरावट आ रही थी, एक्टिव केस की संख्या भी कम हो रही थी, लेकिन अब अचानक से कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है और देश में फिर से कोरोना अपना रूप दिखाने लगा। 4 महीनों में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं और यहाँ तक कि हालात देखिए, एक्टिव केस भी 3 लाख के पार हो चुके हैं। ये कुछ ग्राफ और आंकड़ा देख सकते हैं आप, पिछले 10 दिनों में किस तरह से एक्टिव केस की संख्या में कितनी भयंकर बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस की जो ये दूसरी लहर है ना, इस लहर या कहर के चलते फिर से कई जगहों पर देश में लॉकडाउन जैसी स्थितियां लगा दी गई है। यानी यूं कहें दोस्तों, तो कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण, दूसरी लहर के कारण देश भर के कई जगहों पर, कई राज्यों में, कई शहरों में फिर से सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया। अब कहां कहां लगा ये लॉकडाउन, तो आइए बिल्कुल कोरोना वायरस के 10 बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में छोटा सा अपडेट है, लेकिन ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले तो अपन आंकड़ों की अगर बात करें ना दोस्तों, तो देश में कोरोना एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 43,800 के लगभग नए मामले देखे गए और ये आंकड़ा बीते 115 दिनों में सबसे ज्यादा भी है। वहीं देश में कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों का आंकड़ा, यानी कि एक्टिव केस जो है, जो अभी सक्रिय मामले हैं, जो लोग इलाज करा रहे हैं, उन केस की संख्या भी 3 लाख के पार पहुंच चुकी है। कोरोना के इस बढ़ते प्रकोप का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं दोस्तों, कि इनमें 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस तो बस केवल 8 दिन में बढ़े हैं, जबकि अब तक भारत में कुल संक्रमितों की संख्या जो है वो 1,15,00,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। ठीक है ना, तो ये तो कोरोना वायरस का आंकड़ा वगैरह चल रहा है। और बाकी लॉकडाउन वगैरह की जब अपन बात कर रहे थे, तो बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में भी कोरोना बढ़ रहा है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और मंत्री आदित्य ठाकरे भी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए। और उसके बाद देखिए, महाराष्ट्र नागपुर में 31 मार्च तक एक तो लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, हार्ड लॉकडाउन बढ़ाया गया, यानी कि सख्त लॉकडाउन फिर से लागू हो चुका है। और इसके अलावा महाराष्ट्र मुंबई में एंटीजन टेस्ट होगा रैंडम लोगों का, जो आपको कराना जरूरी होगा, और अगर आप मना करते हैं तो फिर आप पर सख्त कार्यवाही भी हो सकती है। समझ रहे हो ना, तो ये कुछ कोरोना वायरस का मसला चल रहा है। और आपको पता होगा महाराष्ट्र नागपुर में 31 मार्च तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। इसके अलावा भी लॉकडाउन और कहां कहां बढ़ाया गया, तो मैं आपको कुछ अपडेट फटाफट से बता देता हूं। मध्य प्रदेश के भी कई शहरों में लॉकडाउन लग चुका है, महाराष्ट्र ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। बाकी राज्यों का ताजा हाल क्या है, आइए जान लेते हैं। तो एक तो दोस्तों, बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारों ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है और मध्य प्रदेश के 3 शहर इंदौर, भोपाल और जबलपुर, यहां पर 32 घंटों का लॉकडाउन लगाया गया। वही महाराष्ट्र के नागपुर में तो सरकार ने 31 मार्च तक कम्प्लीटली सख्त लॉकडाउन लगाई दिया, जबकि गुजरात और पंजाब के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू ऑलरेडी लगा हुआ है। इस दौरान कई राज्यों ने स्कूल, कॉलेज वगैरह ये चीजें भी बंद करने का आदेश दे दिया, जो कि अपडेट में आपको टुडे ब्रेकिंग न्यूज मॉर्निंग के बुलेटिन अपडेट में भी बताया था, उस वाले वीडियो में। ठीक है ना, 3 शहरों में तो 32 घंटे का लॉकडाउन लग चुका है मध्य प्रदेश के अंदर, भोपाल, इंदौर वगैरह में। नागपुर में 31 तक बढ़ी गया और इसके अलावा गुजरात में दिन का कर्फ्यू फिलहाल नहीं है, रात्रि कर्फ्यू लागू किया गया। देखिए, पंजाब में कोरोना के चलते एक दिन में 39 लोगों की मौत हुई है, मतलब आंकड़े वाकई में काफी ज्यादा गंभीर और डराने वाले चल रहे हैं, राइट। इसके अलावा दोस्तों, मध्य प्रदेश प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान ज्यादा सख्ती बरतने की नियम बनाए हैं। दुकानदारों पर जुर्माना लगेगा अगर वो लॉकडाउन के दौरान भी अपना काम धंधा, कारोबार, रोजगार के लिए दुकानें खोल देते हैं, तो अब उन पर जुर्माना लगेगा। आदेश में कहा गया है कि यदि किसी दुकानदार ने नियमों का उल्लंघन किया तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, और इसके बाद भी नहीं माने तो दूसरी और तीसरी बार में दुगुना, यानी कि 10,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। अगर फिर भी दुकानदार नहीं माने तो दुकानों को सील करने की कार्यवाही भी की जाएगी। और यहाँ तक कि लॉकडाउन के दौरान बिना कारण अगर घर से बाहर निकलते हैं आप, तो सीधे जेल भी पहुंच जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर कई जगहों पर सख्त ऐसे नियम लागू कर दिए गए दोस्तों। शराब की दुकानें भी बंद रहेगी। देखिए, 31 मार्च तक सभी स्कूल, कॉलेज वगैरह बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह में ये गाइडलाइंस लागू की गई है। अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी ऑफिस वगैरह ये भी बंद रहेंगे। व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, किराने की दुकानें बंद रहेंगी, पार्क बंद रहेंगे, शराब की दुकानें भी बंद रहेगी। लॉकडाउन में किन चीजों को छूट मिलेगी, तो मेडिकल स्टोर, अस्पताल वगैरह ये खुले रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं के परिवहन भी खुले रहेंगे। औद्योगिक इकाई खुली रहेगी। वहीं मजदूरों के आने जाने में भी रोक नहीं रहेगी। नगर निगम सीमा में सार्वजनिक परिवहन हो सकेगा और नियमों का उल्लंघन करने पर दुकान सील होगी और बिना कारण घर से बाहर निकलते हैं तो सीधे जेल भी जा सकते हैं आप। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने अगले आदेश तक हर रविवार को भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अब हर शनिवार को रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर में। ठीक है ना, इसके अलावा इन तीनों शहरों में सभी स्कूल और कॉलेज भी 31 मार्च तक बंद रहेंगे। प्रशासन ने तीनों शहरों में लॉकडाउन के दौरान धारा 188 भी लागू की है। इसके मुताबिक अगर आप बिना कारण घर से निकलते हैं तो सीधे गिरफ्तार होंगे। बाकी दोस्तों,
अपडेट मैंने शुरुआत में आपको ये भी बताया था कि राजस्थान सरकार ने भी धारा 144 की तारीख को 31 मार्च तक बढ़ा दिया। धारा 144 में जिसमें दो तीन लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते एक साथ, ताकि लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर बनी रहे और भीड़ इकट्ठी नहीं हो, इसलिए धारा 144 राजस्थान राज्य में भी 31 मार्च तक बढ़ चुकी है। और अब यहाँ देखिए मध्य प्रदेश में धारा 188 लगा दी है। इसके मुताबिक आप बिना कारण घर से बाहर नहीं निकल सकते और अगर निकले तो सीधे गिरफ्तार होंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं ये बढ़ते कोरोना के कारण कई राज्यों में लगाए जा रहे हैं। 8-9 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां पर कोरोना वायरस के माहौल जो है ना, मतलब कोरोना वायरस के मामले जो है ना वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब वो राज्य कौन कौन से जिनमें मुख्य रूप से हैं, महाराष्ट्र तो है ही, इसके अलावा तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर सरकार की टेंशन बढ़ चुकी है बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए, और इसलिए सरकारों को नई गाइडलाइंस जारी करने की भी नौबत आ रही है। अब मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट बस यही है दोस्तों कि प्लीज आप जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगा कर जाएं, बिना मास्क लगाए कतई घर से बाहर ना निकलें। और क्योंकि दोस्तों आप मास्क लगाते हो ना तो आप सेफ तो रहोगे, लेकिन आपके साथ साथ आपका फैमिली, आपका परिवार भी सुरक्षित सेफ रहेगा, समझ रहे हो ना। मान लीजिए आप घर से बाहर गए, मास्क नहीं लगाया और आप में गलती से भी संक्रमण आ गया, भगवान ना करे, खुदा ना करे किसी के अंदर कोरोना संक्रमण आए बिना बाहर गए, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ उसे समझिए, आप मास्क लगा करके नहीं गए, आप में संक्रमण हो गया। मान लीजिए आप तो यंग ब्लड पर्सनालिटी, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, आप सोच रहे होंगे ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब भी आप घर पर आए, घर पर आपके नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, छोटे मोटे बच्चे बच्ची हैं, बूढ़े दादा दादी मम्मी पापा होंगे और आपकी मिसेज वाइफ वगैरह होंगी, तो ऐसे में उन तक भी संक्रमण पहुंचने की संभावना रहती है। अब होता यूं है ना कि छोटे बच्चे बच्चों में तो वो इम्यूनिटी पावर जिसे अपन कहते हैं प्रतिरक्षा शक्ति जो है वो इतनी ज्यादा होती नहीं है, तो इसके चलते उन पर वो प्रभाव ज्यादा डालेगा। मान लीजिए आप पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, आप थोड़े दिन बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाओगे, ठीक है ना, लेकिन आपके बूढ़े दादा दादी और छोटे बच्चे बच्चों को वो बहुत ज्यादा हार्म यानी कि नुकसान पहुंचा सकता है। सो प्लीज बी केयरफुल, जब भी घर से बाहर निकले प्लीज मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और घर से बाहर भीड़ वाली जगहों पर कतई ना जाएं। बाजार वगैरह में जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर बनाए रखें और घर से बाहर से वापस तुरंत घर आते ही अपने हाथों को सैनिटाइज करें, सैनिटाइज तो करें, इसके अलावा खाना खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं। अपने छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों में भी आदत डलवाएं कि खाना खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं, ठीक है ना। इसके अलावा एक और बात का ध्यान रखें दोस्तों कि अगर आप कोई काम धंधा बिजनेस कारोबार करते हैं, आपकी दुकान वगैरह चलाते हैं, तो नोट जो गिनते हैं ना अपन, बहुत से लोगों की आदत होती है नोट गिनते दौरान वो जीप पर उंगली लगाते हैं ताकि वो उंगली थोड़ी गीली हो जाए और इससे नोट स्लिप नहीं हो और नोट की काउंटिंग सही हो सके, राइट। तो इसके लिए लोग बात क्या करते हैं, जीप पर उंगली लगाते हैं। ऐसा आप भूल कर भी ना करें क्योंकि नोट एक दिन में कितने ही लोगों के पास पहुंचते हैं आपको पता ही है, अलग अलग जगहों पर जाते रहते हैं और ऐसे में जरूरी थोड़ी ना कि हर आदमी जो है सैनिटाइज करके हाथ में फिर ही नोटों को हाथ में ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी बताएं। तो नोटों पर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो सकता है, खुद RBI ने ये डिक्लेरेशन किया हुआ है। तो आप नोटों को इस्तेमाल करते समय, काउंटिंग करते समय, गिनते समय थूक उंगली पर न लगाएं, ठीक है ना, इससे आप में संक्रमण फैलने की संभावना कई गुना नहीं बल्कि कई 100 गुना बढ़ जाती है, ठीक है ना, इस बात का भी ध्यान रखें। इसके अलावा अब आप ये सोचेंगे नोट गिनने के लिए आप एक थोड़ा सा फॉर्म रख दो और उसमें पानी डाल दो थोड़ा सा, बाकी जो गोंद वगैरह आते हैं मार्केट से वो यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें ताकि आप खुद सेफ रखें, आपका परिवार भी सेफ रह सके, ओके। उम्मीद है ये थोड़ा ज्ञान ज्यादा ही फैल दिया हो आपको लग रहा है ऐसा, तो सॉरी, बाकी जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी, और हाँ आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। बाकी आपको इस वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके आप DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में घंटी का बटन मिलेगा उसको भी दबा दो। इससे होगा ये दोस्तों कि आप कोई भी काम की खबर, रोजाना के ताजा अपडेट और इंपॉर्टेंट न्यूज कभी मिस नहीं कर पाओगे। तो जस्ट नाउ बी सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।